बुरहानपुर जिले के सेवा सदन महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की पद पर पदस्थ सुचित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय संगठन अनुसंधान संस्थान MSME मंत्रालय भारत सरकार के साथ तथा पंजीकृत MSME तथा ग्रीन थिंकर्स वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 8वें ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने संस्था का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने इस अवसर पर डॉक्टर तनवीर सिंह का आभार व्यक्त किया और उनके शुभचिंतकों और मित्रों समाजजनों ने उनका पुष्पमाला से स्वागत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। दिसंबर को I2R इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च द्वारा एक प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें मैंने जेंडर इक्विटी पर अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें मुझे कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्योंकि आज भी आधुनिक युग में भी कई सारे समाज ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को शिक्षा के लिए बाध्य रखा जाता है, जिनसे उनकी जो क्षमता है उनका विकास नहीं हो पाता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में भी लड़कियों का संपूर्ण विकास हो, अपने राष्ट्र के विकास में भी अपनी भागीदारी दे, इसलिए मैंने जेंडर इक्विटी टॉपिक चुना था और उस पर मैंने अपना लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से दिया था। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ये पंजाब में किया गया था, तो किसी कारण से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैंने वर्चुअल माध्यम से अपना वहाँ पर वक्तव्य दिया।